तो हेलो दोस्तों, आज फिटनेस फाइटर चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए कि प्रोटीन किन किन को किस तरह लेना चाहिए और क्या क्या मात्रा में लेना चाहिए, और बिगिनर है तो क्या वे प्रोटीन लेना चाहिए, गेनर लेना चाहिए या प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए। आज इसके पूरे डिटेल में सर क्लियर करेंगे आप लोग का डाउट, जो आप हमें कमेंट करते हैं उसे पूरे अच्छे तरीके से सर बताएंगे डिटेल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? सबसे पहले हम प्लांट प्रोटीन के बारे में आज बात नहीं करेंगे। प्लांट प्रोटीन का टॉपिक जो है मैं अलग से बनाऊंगा, इसके बाद या एक दो वीडियो बाद आएगा वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए भी कमेंट्स आए थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि जैसे बॉडी के तीन टाइप्स रहते हैं, एक्टोमॉर्फिक, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी बॉडी टाइप कैसी रहती है, फिर मेसोमॉर्फ रहते हैं और एंडोमॉर्फ रहते हैं। इन लोगों को कौन से प्रोटीन्स लेने चाहिए? ज़्यादा करके क्या होता है कि आप लोग अगर वे प्रोटीन लेते हो तो कभी कभी गलत भी ले लेते हो, रिजल्ट नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है कि सही प्रोटीन भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात करता हूँ अभी, जैसे एक्टोमॉर्फिक जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हाई मेटाबॉलिज्म वाले रहते हैं। मतलब ये कुछ भी अगर खाते हैं ना तो मतलब इनकी एनर्जी जो है ना ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है बैठे बैठे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक आम आदमी जो है, एक घंटा अगर आप एट रेस्ट हो, अगर आप टीवी देख रहे हो तो मोस्टली जो है आप अराउंड 30-40 कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन एक एक्टोमॉर्फिक जो हाई मेटाबॉलिज्म वाला बंदा वो 50-60 कैलोरीज बर्न करता है। ये एक एग्जाम्पल है, एक अनुमान है। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक्टोमॉर्फिक जो रहते हैं उनको जो है हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है, तो उनको ना कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है। और उनके लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी पता है क्या होता है? वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो पतले हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी में जो है ना फैट परसेंटेज उनके जल्दी आता नहीं है। तो उनके लिए मैं मोस्टली एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, मास गेनर्स एंड क्रिएटिन। क्रिएटिन से बल्कअप होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जो मास गेनर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी। जैसे एक स्कूप जो मास गेनर का रहता है वो 50 ग्राम्स के ऊपर का रहता है, तो मोस्टली जो है एक मास गेनर में अमाउंट टू अराउंड 200 प्लस कैलोरीज रहती है। एक वे प्रोटीन में 120 कैलोरी रहती है, इसमें 200 से ज़्यादा कैलोरी रहती है, और मोर एंड मोर ऑफ कार्ब्स रहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट उन्हें ज़्यादा रहती है। तो ये था एक्टोमॉर्फ। तो अभी हम चलते हैं मेसोमॉर्फ के ऊपर। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेसोमॉर्फ, ये रहते हैं मॉडरेट बंदे, मतलब मेटाबॉलिक रेट एट लेवल पे रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेटाबॉलिज्म अगर टेस्ट किया जाए तो 1800 के आसपास चाहिए उनका, उतना ही रहता है। और ये ना ज़्यादा पतले रहते हैं ना ज़्यादा मोटे रहते हैं, ये बीच के रहते हैं। ये टटन टटन ये डालना मतलब है ये वैसे बीच के नहीं रहते, मतलब दोनों के बीच के रहते हैं। तो इनको क्या होता है, इनको भी जो है लीन मसल मास बिल्डअप करना रहता है। लेकिन एक चीज़ मेसोमॉर्फ की मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये अच्छी तरह से लीन करे तो वो एंडोमॉर्फ जैसे बन सकते हैं, और अगर इन्होंने छोड़ दिया वो जो है एक्टोमॉर्फिक भी बन सकते हैं, ये दोनों बन सकते हैं। तो मेसोमॉर्फिक जो रहते हैं वो मॉडरेट जो है मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है उनका, तो वो एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं मास गेनर सजेस्ट नहीं करूँगा। हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन भी चलेगा, कॉन्सेंट्रेट भी चलेगा, प्लस क्रिएटिन भी चलेगा उनके लिए, मसल मास गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए क्रिएटिन, बाकी रिकवरी के लिए प्रोटीन जो अच्छा लगे, जैसे मैंने बताया तीनों ले सकते हैं, उसमें आइसोलेट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी चलते हैं तीसरे वाले बंदे पे, वो है एंडोमॉर्फ। वो स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत मोटा रहता है, एकदम फैट। तो उनके लिए दोस्तों एक ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि देखो, मास गेनर का तो मतलब ही नहीं है, क्रिएटिन का भी मतलब नहीं है, तो उनके लिए आइसोलेट वे प्रोटीन ही सही रहता है। कम से कम उसमें ज़ीरो कार्ब्स रहते हैं, ज़ीरो शुगर रहता है, तो उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली एंडोमॉर्फिक रहते हैं ना मंटू, उनको डायबिटीज़ वगैरह के चांसेस, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाई बीपी रहता है, बहुत सारी बीमारियाँ रहती है। एक्सरसाइज तो इनके लिए भी बहुत मैंडेटरी है। तो ये जो है आइसोलेट एक्टोमॉर्फिक के लिए, मेसोमॉर्फ जो है वो हर एक वो सब कुछ ले सकता है, एंडोमॉर्फ, मास गेनर, क्रिएटिन, और वे प्रोटीन भी ले सकते हैं अगर एक्स्ट्रा आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो। सो दोस्तों देखो, ओवरऑल आपको समझ में आ गया हो। अभी मैं आपको डिटेल में ये नहीं बताने जाऊंगा कि हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन जो है वो 70 ग्राम पर 100 ग्राम रहता है, वो आपको तो पता ही है। आइसोलेट जो है वो अराउंड 80 प्लस ग्राम प्रोटीन रहता है उसमें 100 ग्राम्स के अंदर। क्रिएटिन के बारे में भी आप सबको पता है चाहिए, तो मैं ये चीज़ों के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अगर मैं ये चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो वीडियो की तो और निकल जाएगी। तो अभी जो टॉपिक बनाने का रीज़न यही था कि आप लोगों को पता लगे कि आपकी बॉडी कैसी है। स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ये तीन टाइप की हमारी बॉडीज रहती है। जैसे आप मुझे और मोंटू को देख रहे हैं तो हम लोग मेसोमॉर्फ है, बीच वाले, मतलब ना एंडोमॉर्फ ना एक्टोमॉर्फ। तो इस करके
हमें जो रिक्वायरमेंट है मोनटू, हम क्रिएटिन भी ले सकते हैं, हम आइसोलेट भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं, हाइड्रोलाइज भी ले सकते हैं। तो भाई हम बीच वाले जो है वो सब कुछ ले सकते हैं। जैसे कि सर आपने सब चीज़ें तो समझा ही दिया, तो मेरा क्वेश्चन है कि सर जो लोग जैसे कि जिनका एज ग्रोथ बढ़ रहा है, जैसे कि 18 प्लस हुए, जैसे अभी चाइल्डहुड थे अभी वो 18 प्लस हुए, तो उनका मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस आता है क्या? मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आता है लेकिन 18-20 में नहीं आता, 30 के बाद में आता है। अगर आप अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिक रेट एक एज के बाद कम भी होता है, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते चले जाओगे तो उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उस पर जो है वो मेटाबॉलिज्म पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट हाई एक्टोमॉर्फिक है तो उसका जो स्कोर रहता है वो 1800 जैसा एवरेज है, तो उसका स्कोर रहता है 2100-2200 तक रहता है हाई मेटाबॉलिज्म। मॉडरेट रहता है अपना 1800-1900 तक रहेगा वेट ट्रेनिंग करने वाले, और जिनका लो रहता है वो रहता है 1200-1300 ऐसे रहता है। सर तो उनका मेटाबॉलिज्म इतना लो रहता है तो उनको साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होंगे? मतलब अगर लो अगर मेटाबॉलिज्म है तो वजन इस करके बढ़ जाता है, और क्या होता है कि कैलरीज जो है उनकी बहुत कम बर्न होती है, मैन बूब्स आ जाते हैं लो मेटाबॉलिज्म, ये इसके वो है मतलब डिसएडवांटेजेस है लो मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म थोड़ा मॉडरेट चाहिए, ज़्यादा भी हाई नहीं चाहिए तो पतले भी रह जाओगे, बीमारी वगैरह भी चालू? नहीं, हाई में बीमारी नहीं होती, लो में बीमारी होती है। सर सब कुछ तो डिटेल में आप बता ही दिए, अभी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे ऑडियंस को अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए वर्कआउट करिए, आप वेट लिफ्टिंग करिए, आप कैलिस्थेनिक्स करिए, आप जिमिंग करिए, मतलब वेट्स उठाने, जितना वेट्स उठाओगे उतना आपका बॉडी का, उतना आपका जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। उसके हम लोग हमारी लैंग्वेज में, वैसे तो हमारी लैंग्वेज में बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, जो उसका स्कोर चेक होता है वो इन बॉडी मशीन पर चेक होता है, उसमें एक्यूरेट दिखाता है। अगर आपके आजू बाजू में है तो आप जाके चेक करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से 3 कैटेगरी में आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही, और कोई सवाल? बस आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना, और जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक के लिए भी कमेंट करना, तो वो टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बना लेंगे। ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया आ जाए, अगर हम ऐसे ही बोल देंगे कि अगर आप जिम जा रहे हो तो मांस गिनर खाइए, ये खाइए, पतले हो, लेकिन आप कौन से लेवल के पतले हो तो उसके हिसाब से हमने आपको डिटेल वीडियो बना के दिए। होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, उसका तो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं, पता नहीं क्यों। दोस्तों शेयर करिए क्योंकि ये लोगों तक पहुंच रहा नहीं है। होप आप भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को शेयर करें, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे लाते रहेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए प्लांट प्रोटीन और जिस वे प्रोटीन के बारे में वीडियो लाए, तो उसके लिए भी बने रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम रहे आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। एंड अगर कुछ ज़्यादा रहेगा बड़ा आपका प्रॉब्लम तो हम उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो होप दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगली वीडियो में।